ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है इस हादसे से जुड़ी हुई, उससे आपको रूबरू करवा दें। आज नौवां दिन है और ऑगर मशीन से कहा जा रहा है सुरंग में ड्रिलिंग का काम वहां पर लगातार किया जा रहा है। ऑगर मशीन जिसकी मदद से टनल में ड्रिलिंग का काम चल रहा है, लगातार वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है 41 मजदूरों के लिए। 6 विकल्पों पर एक साथ वहां पर काम चल रहा है। तमाम एक्सपर्ट की टीम वहां पर मौजूद है, बीआरओ की टीम भी लगातार जुटी हुई है। फंसे हुए 41 मजदूरों को कैसे सकुशल निकाला जाए, इसको लेकर पिछले 9 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अभी जानकारी ये सामने आ रही है कि ऑगर मशीन जिसकी वजह से ड्रिलिंग वहां पर किया जा रहा है, ड्रिलिंग के माध्यम से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश है। सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, वहां से दीपक रावत मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, सबसे पहले अपडेट दीजिएगा, वहां पर जो एक्सपर्ट की टीम है वो क्या बता रही है, कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न होगा, पूरा होगा, कैसे उन तमाम मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, लगातार एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर है ही, हमारे देश के तो हैं ही, विदेशों से भी टीमें मंगाई गई हैं, बुलाई गई हैं, उनसे भी राय ली जा रही है। स्विट्जरलैंड तक के बात चल रही है क्योंकि स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा टनल बनाई जाती है, तो वहाँ पर भी एक्सपर्ट से बात की जा रही है। अभी तक की स्थिति ये है कि करीबन 2 से 3 दिनों का वक्त और लग सकता है। इसके पीछे की 2 वजह हैं। एक तो जो ऑगर मशीन पहले से ड्रिलिंग का काम कर रही थी वो पिछले 2 दिनों से बंद थी, जो अब फिर से काम करना शुरू कर दिया उसने, और माना ये जा रहा है कि उसको 30 से 35 मीटर और ड्रिल करना है, जिसमें 2-3 दिनों का वक्त लग सकता है अगर मलबा दोबारा ना गिरा। दूसरा एक ऊपरी हिस्सा है टनल के, वहाँ से भी ड्रिलिंग करने का काम आज दोपहर से शुरू हो जाएगा, यानी कि वहाँ से करीबन जो 120 मीटर के आसपास ड्रिल करना है वो भी, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग है तो इसलिए जल्दी वहाँ पर ड्रिलिंग हो सकती है, तो उसको भी 2 से 3 दिन का वक्त लग जाएगा। तो इस तरीके से 3 से 4 हिस्सों में ड्रिलिंग की जानी है और स्केप रूट तैयार किया जाना है। एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी हिस्सा हमें सबसे ज़्यादा नज़दीक पहुँचाएगा, हम उस हिस्से से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को भले हमें जब ड्रिलिंग कर दी जाएगी, पाइप सेट कर दिए जाएंगे, तो कुछ लोगों को उस पाइप के जरिए अंदर भेजा जाएगा ताकि वो आगे के हिस्से को काट कर रास्ता बना सके उन तक पहुंचने के लिए। तो लगातार कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है। कहां पर और कैसे आ रही है ये जरा बताइए, आपने बातचीत वहां पर की होगी, दिक्कत कहां पर आ रही है ये, और साथ ही जो 41 मजदूर हैं वो सकुशल हैं, सुरक्षित हैं इस वक्त, उन तक खाना ऑक्सीजन कैसे पहुंचाया जा रहा है? जी, सभी 41 लोग इस वक्त सुरक्षित हैं, लगातार उनसे बातचीत हो रही है, उनके घर वाले, उनके परिजन भी जब उनसे बातचीत करने आते हैं तो उनसे भी बातचीत कराई जाती है, तो वो भी ये बात करके काफ़ी खुश नज़र आते हैं कि वो लोग सब ठीक है। लाइट, पानी, ऑक्सीजन, खाना सभी उन तक पहुंचाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि एक और पाइप डाल दी गई है जो चौड़ी पाइप है, यानी कि अब तक जो ड्राई फ्रूट्स उन तक जा रहे थे, अब कुछ बड़ा खाना जैसे ब्रेड और रोटियां उन तक पहुंचाई जा सकती है। इतना बड़ा पाइप एक और वहां पर लगा दिया गया है। जहां तक अब तक की जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में बातचीत करें तो पहाड़ी का बड़ा हिस्सा लगातार उस हिस्से में गिर रहा है जहाँ पर ये मलबा पहले गिरा था। 60 से 70 मीटर मलबा लगातार गिर चुका है और लगातार गिर भी रहा है। जैसे जैसे आप ड्रिल करते हैं वाइब्रेशन होता है, कंपन होती है, और कंपन के साथ साथ जो ऊपरी हिस्सा है टनल के ऊपर जो एक कोन सी बन गई है जहां पर से लगातार मलबा गिर रहा है, वो मलबा अभी भी लगातार गिरता जा रहा है। और यही वजह है कि 2 दिन पहले जब वो मशीन के आगे वाले हिस्से पे गिरा तो मशीन का बैरियर जो होता है आगे जो लगा होता है वो टूट गया। उसके बाद से 2 दिन तक मशीन काम नहीं कर पाई, उस हिस्से को जोड़ा गया और अब ड्रिलिंग की गई। तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि जैसे आप ड्रिल करते हैं कंपन होती है तो मलबा दोबारा गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काम रुक जाता है। बिल्कुल ठीक है, 2 दिन से ऑगर मशीन बंद थी, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि अभी मशीन काम कर रही है, ड्रिलिंग का काम वहां पर हो रहा है, और सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि जितने भी मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनसे संपर्क हो रहा है और जरूरी सामान उन तक पहुंचाए भी लगातार जा रहे हैं। दीपक, लगातार नजर बनाए रखिए, दिन भर आपसे अपडेट लेंगे, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।